सो आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपसे शेयर करूंगी आइकॉनिक का ये प्रोफेशनल 3-in-1 डीप फेवर। एंड आई थिंक ये आइकॉनिक का मेरा सेकंड प्रोडक्ट है, इससे पहले मैंने आपसे शेयर किया था हेयर स्ट्रेटनर। आइकॉनिक ब्रांड की जो भी हेयर स्टाइलिंग टूल्स हेयर स्टाइलर्स होती है गाइस, बहुत ही अच्छी होती है। एंड वेबर मेरे पास 2-3 है, मैंने सोचा इस वेबर को ट्राई करते हैं बिकॉज ये 3-in-1 है, थोड़ी सी कॉस्टली है, 5,000 के आसपास इसकी प्राइस है। मैं इसे फर्स्ट टाइम आज आप लोगों के सामने ओपन करूंगी एंड यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पैकेजिंग आइकॉनिक का बहुत ही अच्छी होती है गाइज, दिस इज द बॉक्स गाइज, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी होती है, प्रीमियम पैकेजिंग होती है। एंड इसकी वेयर्स भी गाइज काफ़ी बड़ी होती है। अच्छा, इसे 3-in-1 क्यों है, क्यों आप इसे 3 वेज में यूज़ कर, मतलब कैसे आप इसे 3 वेज में यूज़ कर सकते हो, देखिए यहाँ पर एक रिलीज बटन होती है, ठीक है, इसे आप दबाओगे तो ये निकल जाएगी। अब ये देखिए, आप ये जो चीज़ है यहाँ पर देखिए वेव कितना है एंड यहाँ पर देखिए ये कितना डीप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हल्का वेव्स आएगी, यहाँ से आप यूज़ करोगे तो डीप वेव्स आएगी। एंड अगर आप इसे छोड़ के बस इस रॉड को यूज़ करो इसमें हेयर को रैप करके कर्ली टाइप का इफेक्ट करने के लिए, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये होगी आपकी 3-in-1 यूज़। तो मैं ऑब्वियसली डीप वेव्स ही चाहूँगी, इस साइड में यूज़ कर रही हूँ, इसे आपको नॉर्मली लगा लेना है, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। एंड दिस इज द स्टैंड, जब आप इसे यूज़ करोगे इस तरह से यूज़ करोगे। नाउ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने के लिए। सो गाइस, प्लग इन तो मैंने कर लिया, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है इसकी, एंड यहाँ से आप इसे आप घुमाओगे तो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। पहले मैं इसे ऑन कर लेती हूँ, ये देखिए ऑन हो गई। अभी इसकी टेम्परेचर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जितना टेम्परेचर आप चाहो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, 150 से लेके 210 तक इसकी टेम्परेचर है। सो गाइज, एज ऑलवेज जब भी आप हेयर पर कोई भी हीट यूज़ करो, हीटिंग टूल यूज़ करो, हेयर को ऑब्वियसली आप रेडी कर लो, कोई भी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे या फिर क्रीम आप अप्लाई कर लो, तो आपकी हेयर जो है ना डैमेज होने से बच जाती है। तो हेयर को मैंने सेक्शन कर लिया, पहले छोटा सा पीछे से एक सेक्शन ले रही हूँ उस तरह की, एंड इस तरह से आपको लगाना है इसे, इसे इस तरह से छोड़ देना है 10 से 15 सेकंड के लिए। एंड यहाँ पर एक लॉक बटन है, आप इसे लॉक कर दो तो ये लॉक हो जाती है। आप बिना टेंशन के इसे आप 10 सेकंड होल्ड करके रखो, कुछ नहीं होगा आपको, दूसरी जगह से मतलब टिप को होल्ड पकड़ना नहीं है। सो 10 सेकंड्स के बाद आप लॉक को अनलॉक कर दो, ये देखिए, ठीक है, फिर नीचे लाओ, फिर इस तरह से अगेन इसे आप दबा के लॉक कर दो, तो है ना काफ़ी इजी फंक्शन। यूज़ करते करते यहाँ पर टच मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाती है, वहाँ पर टच करने की ज़रूरत है ही नहीं। सी, मैंने एक ही स्ट्रैंड को अभी, वाह, मतलब आइकॉनिक होती है, दूसरी कोई ब्रांड से इसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती, वाओ। चलिए एक और स्टैंड आपको करके दिखाती हूँ। आप खुद ही देख लो गाइस, मैं क्या बताऊँ, वाओ। अब मेरी हेयर नेचुरली स्ट्रेट है ना, तो आप लोग हमेशा मेरी हेयर स्ट्रेट ही देखते हो। अब ये कर्ल्स मतलब वेव्स देख के आपको बहुत अच्छी से डिफरेंसेस नज़र आ रही है ना। तो चलिए अभी मैं पूरी हेयर को आपको ना कर्ल करके दिखा, गाइस मेरी लुक कितना अलग लग रही है आप देखो। हाँ, तो ये जो वेव है मतलब डीप वेव्स है, मुझे बनाने में ऑलमोस्ट 15 मिनट लग गए एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। मतलब थोड़ा सा लूज करने के बाद इस तरह की हो जाती है एंड वाओ। सो गाइस, ये है रिजल्ट आइकॉनिक डीप वेवर का। मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ एंड आपके सामने इसकी डेमो है, रिजल्ट है, आप देख लो कितनी अच्छी है। तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।